Hello, my dear students. How are you? Oh, that's great. Okay, last time what we have done in tenses, last topic we have covered that was tenses, right? So now we are going to start further. Okay, so first we have what we have done so far. First, we have done intro, introduction, like we have done what is um, वट आर टेंसेज एंड देव डिस्कस्ड व्या क्या टें हम पढ़ते हैं है ना टेंसेस के पार्ट्स हमने किए सब पार्ट किए सब टाइप्स कह सकते हो है ना तो सब टाइप्स हमने कवर किए थे राइट right? तो अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं अब नेक्स्ट इवन वी हैव कंप्लीटेड आर सिंपल टेंस राइट लाइक like, uh, हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट और सिंपल फ्यूचर है ना ये हमने कंप्लीट कर लिया अब आगे आज हम क्या करेंगे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परफेक्ट टेंस और वो तीनों टाइप्स जो हमारे टेंसेस uh, के थ्री टाइप्स हैं उन तीनों के बारे में परफेक्ट पार्ट्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इनका कॉन्टीन्यूस फॉर्म पढ़ेंगे एंड देन लास्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल कंप्लीट आर परफेक्ट कंटिन्यूस गॉट इट सो शैल वी स्टार्ट स्टार्ट करें आज का दिन है ना आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे आ, हम लोग एक रिकैप रे ले लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या कवर किया था है ना तो हमने आ, टेंसेस में कवर किया था कि टेंसेस क्या हैं जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं हम सेंटेंसेस का हमने आ, बेसिक स्ट्रक्चर किया था सेंटेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था एक सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं सब कहते हैं कि टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्यों इम्पोर्टेंट है इंग्लिश का बेस माना जाता है टेंसेस को है ना आपके <coughs> आपके सिलेबस में टेंसेस पार्ट है और फिर ये आपको हेल्प करेंगे आपके राइटिंग स्किल्स में भी ठीक है आपका ओल्डो कोई फिलअप्स नहीं आते हैं एडिटिंग और ऑमिशिंग ऑबिशन जैसे एक्सरसाइज आपको दी जाती हैं करने के लिए एग्जाम में तो यहाँ आपको सेंटेंसेस का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था ताकि आप आगे राइटिंग स्किल्स में अपने इम्प्रूव कर सो इवन क्वेश्चन आंसर्स आपको चैप्टर की स्टोरी पता है लेकिन फिर भी आप आंसर्स अपने आप से नहीं लिख पाते हो कई बार लर्न नहीं होता है और फिर आपको लगता है कि अरे मुझे हिंदी में तो आता है लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो उस प्लेस पर हमारे टेंसेज जो हैं हमें हेल्प करते हैं अभी यहां सेंटेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए बताया था ताकि टेंसेस का एक बेस हम प्रिपेयर कर सके और वो स्ट्रक्चर क्या था फर्स्ट वी नीड टू टेक सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट ठीक है सबसे पहले हम सब सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश में अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट मैंने आपको डिफाइन किया था सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है अगर नहीं क्लियर है भूल गए हो एक बार वीडियो फिर से देखो है ना तो आज हम फर्दर करेंगे हमने सिंपल टेंसेस के बारे में किया उनका स्ट्रक्चर कि कैसे हम फ्रेम करते, करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं सिंपल फॉर्म्स को प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट को कैसे कहाँ यूज़ करते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनेट को कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और फिर हमने सीखा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर के बारे में तो अभी स्टार्ट करते हैं टेंसेस की थ्री टाइप्स तीनों के बारे में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इनको इनकी तीनों फॉर्म्स आगे फिर फर्दर जो इनके सब टाइप्स है सबसे पहले था सिंपल दैट वी हैव कंप्लीटेड जो हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूज और परफेक्ट कंटिन्यूज है ना तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग एक एक्सरसाइज भी करेंगे ठीक है तो एक्सरसाइज में आपको ये नहीं देखना है कि मैं आपको आंसर्स बताऊंगी फिर आप चेक करिए अपने आप को कि आपने टेंसेस के बारे में क्या सीखा अभी तक और क्या आपको पता चल रहा है कि मिस्टेक कहां हो रही है कहाँ नहीं हो रही है तो ध्यान से सुनिए जो आज मैं आपको बताऊंगी ठीक है लेट स्टार्ट ओके तो अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और सबसे पहले बात करते हैं हम इनके परफेक्ट टेंस के बारे में ठीक है परफेक्ट टेंस अब परफेक्ट का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि परफेक्ट टेंस हम कहां यूज करते हैं परफेक्ट का मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग बताया जो था फ्लॉलेस है ना या फिर हम कह सकते हैं जिसमें कोई कमी नहीं हो कंप्लीट हो कंप्लीटेड है परफेक्ट है, है ना हम कोई चीज बहुत अच्छी है तो आप कहोगे कि परफेक्ट है बिल्कुल मम्मा कोई डिश बनाती है मम्मा कुछ अच्छा सा बनाएंगे क्या बोलोगे मम्मा एकदम परफेक्ट बनाए है ना सूट बहुत अच्छा लग रहा है परफेक्ट लग रहा है, है ना तो इस तरह से, से हम लोग कोई अच्छा कुछ लगता है तो हम उसके लिए बोलते हैं परफेक्ट यानी कि उसमें कोई कमी नहीं है दैट इज फ्लॉलेस है ना तो आज हम फ्लॉलेस सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो बताएगा हमारे वर्क अब टेंसेस में हम किसकी बात करते हैं वर्क की टाइम एक्शन uh, की है ना तो हमारा जो वर्क है जब कंप्लीट हो जाए हमें लगे अगर प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है ना पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट है ना तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसमें सी यहाँ हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं पहले ठीक है फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव देन वी थ्री और देन ऑब्जेक्ट क्लियर है सबसे पहले हमें क्या लेना है सब्जेक्ट लेना है देन हैज है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड देन वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट अब बात आती है कि यहाँ हमने ऑप्शन में लिया हैज और हैव दोनों को तो दोनों में से क्या यूज करना है कब यूज करना है बात करते हैं उसके बारे में है ना अब हैज और हैव मैंने आ, आपको प्रेजेंट टेंस भी कराते टाइम एक बात बोली थी कि लास्ट का एस हम देखेंगे हैज में हेल्पिंग वर्ब में है ना तो हम एक लास्ट का एस देखते हैं जहां पे अगर ऐसा आ जाता है अब आई एम शोभा है ना मैं शोभा हूँ मैं आपको इंग्लिश के रूल्स बता रही हूँ तो मेरा नेम आ, स्टार्ट होता है इनिशियल लेटर क्या है एस है ना ये एस वाला रूल कुछ अलग है जैसे शोभा मैम अलग है ना वैसे ही ये रूल भी अलग है शोभा से है ना सो so, एस ये बताता है कि हमें एस वाले जो वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब आपको और भी मैं बताऊंगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट की और भी वर्ब नेगेटिव फॉर्म्स के लिए बताऊंगी, तो ध्यान रखिए जहाँ पे हमें एस मिलता है हेल्पिंग वर्ब में वो हेल्पिंग वर्ब्स हमें यूज़ करनी हैं अगर हमारा सब्जेक्ट ये जो करने वाला है काम को करने वाला है वो पर्सन थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर भी हो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं है ना फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सॉरी फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है मतलब स्पीकर है ना सेकंड पर्सन जो सुन रहा है जिसको आ, अगर मैं बात कर रही हूँ सपोज और आप सुन रहे हो तो आप कौन हुए सेकेंड पर्सन और अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करो तो वो हमारे ऊपर से थर्ड पर्सन में जिनके बारे में बात करते हैं टू हु वी टॉक अबाउट है ना सो फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकर जो स्पीकर है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन जो सुन रहा है लिसनर और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं गॉट इट सो अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में से हो यानी किसके जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर भी होना चाहिए एक ही पर्सन होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर ही हो और थर्ड पर्सन भी होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ही शी इट एनी नेम है ना तो फिर हम लोग हैज यूज करेंगे उसके साथ और बाकी सबके साथ क्या यूज करेंगे जितने भी पर्सन रह गए फर्स्ट पर्सन मैं हूं बोलने के लिए मेरे को मेरे लिए हैव हाँ दे दो है ना और आ, कोई सुन रहा है आप अपने लिए भी हैव दे दो लेकिन हमारे मेहमान को हम स्पेशल गेस्ट करते हैं ना जिनके बारे में बात कर रहे हैं हमारे गेस्ट हैं है ना और वो सिंगुलर एक आए तो और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है है ना तो वो स्पेशल वाले जो गेस्ट हैं ना उनको हैज देना है और वो स्पेशल एस वाला शोभा मैम जैसे स्पेशल है है ना तो यहाँ हम लोग एस लेंगे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उनके लिए हैज़ और बाकी सबके लिए हैव अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना और फिर उसके बाद हमें लेना है वी थ्री और ऑब्जेक्ट तो ये सारा रूल हम ये फॉर्मेशन है यूज कहाँ करते हैं कहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमारा जो सेंटेंस है जहाँ हमारा जो एक्शन है जो काम है प्रेजेंट में यानी अभी अभी कंप्लीट हुआ हो क्लियर है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी हमें हमने क्या कंप्लीट किया है कौन सा रूल कंप्लीट uh, किया है अरे वाह वेरी नाइस प्रेजेंट परफेक्ट है ना परफेक्ट कर दिया उसे तो फिर कंप्लीट हो गया तो इसके लिए uh, एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक वी वी अब बताओ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हम दोनों स्पेशल हैं नहीं है यार जो आएगा वही हमारा स्पेशल गेस्ट होगा ना है ना और वो भी अकेला आना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए है ना तो वी फिर तो यहाँ क्या आएगा हैव और फिर वी हैव कंप्लीटेड क्या कंप्लीट किया है हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है समझ में आया एक और एग्जाम्पल लें शी हैज उसने अभी अभी लॉक कर दिया डोर को ठीक है तो अब शी क्या है ना मैं हूं ना आप हो कोई तीसरा पर्सन है और एक भी है तो ये हुआ ना हमारे स्पेशल गेस्ट में से है ना और स्पेशल गेस्ट को हम लोग क्या देते हैं वाला हेल्पिंग वर्ब है ना तो यहाँ क्या आया हैज और फिर थ्री हमने ली देन ऑब्जेक्ट क्या लॉक किया कब लॉक किया क्यों लॉक किया या हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या लेते हैं क्या काम जो है हमारा कब हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ किसके द्वारा हुआ वो सारी बातें हम कहा देते हैं ऑब्जेक्ट में आई होप इट इज क्लियर टू यू है ना तो सब्जेक्ट जो काम को करता है फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं सब सेंटेंस बनाने के लिए और फिर क्या लेते हैं वर्ब मेन एक्शन है ना तो ये जहां हैज वी थ्री और हैज के साथ हमेशा वी थ्री आती है ये ध्यान रखो ठीक है तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की पास्ट हमें पता है पास्ट हम कहाँ यूज करते हैं हमें जहाँ लगे कि हमारा जो काम पास्ट में हो पूरा हुआ हो पास्ट यानी बीता हुआ टाइम जो टाइम चला गया तो जो काम पहले हो गया हो पूरा पास्ट में मतलब पूरा हो गया हो तो उस ऐसी बात को बताने के लिए ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट तो इसके बारे में बात करते हैं है ना सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लेना ही लेना है है ना और फिर हमें लेना होता है हेल्पिंग वर्ब अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब ली थी हैज और हैव अब क्या लेंगे हैड पास्ट के लिए हम लेते हैं सिंगल हेल्पिंग वर्ब दैट इज और फिर उसके बाद में वी थ्री अब देखो परफेक्ट है परफेक्ट है मतलब कोई कमी है कमी नहीं है एक्शन भी हमारा कंप्लीटेड है तो हम लोग इसको कंप्लीट वर्ब देते हैं और कंप्लीट वर्ब हमारी कौन सी रहेगी जो लास्ट में आती है ना मतलब कंप्लीट होगी वर्ब फॉर्म्स है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो जो लास्ट में रह गई एकदम कंप्लीट हो गई वर्ब फॉर्म्स तो थर्ड वाली जो है ना तो वो हम इसमें रखते हैं परफेक्ट वाले में ठीक है तो फिर उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट हम हमारा जो हमें बताता है काम कौन कर रहा है है ना फिर हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ हैड लेनी है तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो कोई आ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है फिर वही वी थ्री लेना तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको लगे कि बहुत पहले यह बहुत पहले कोई एग्जाम क्रैक किया था आपने है ना बहुत पहले किया था हो गया क्रैक हो गया तो अब इसके लिए क्या लिखोगे आए ठीक है मैंने किया स्पेशल गेस्ट में से नहीं आए ये कुछ यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है तो सिर्फ हमें क्या लेना है हैड आई हैड क्रैक्ड दैट एग्जाम और द एग्जाम ठीक है क्लियर हुआ कि आई हैड हैड लिया एक ही वर्ब फोन थी सॉरी हेल्पिंग वर्ब थी और फिर क्रैक्ड वी थ्री ली और फिर ऑब्जेक्ट ले लिया हाँ और ये सेंटेंस हैड प्लस वी थ्री यूज हो गया तो ये सेंटेंस हमें बताता है कि कोई काम पास्ट में मतलब तो बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है ठीक है चलो अब दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ ये प्रेजेंट uh, टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट हमें बताता है कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है और पास्ट बताता है कि जो काम पहले बहुत पहले कंप्लीट हो गया था अभी बात करते हैं फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग जो काम आगे आने वाले टाइम में कंप्लीट होगा तो यहाँ हम लोग लेंगे सबसे पहले क्या लेना होता है सब्जेक्ट फिर अब फ्यूचर है तो फ्यूचर की पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म्स को हेल्पिंग वर्ब्स होती होती हैं जो हमेशा ही लेनी होती है कौन कौन सी हैं वो वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स और फिर हम लोग क्या लेते हैं परफेक्ट की फॉर्म भी तो लेनी है है ना तो यहाँ हम हमेशा लेंगे have, और फिर वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर है तो अब हम पहले लेंगे सब्जेक्ट अब पहले तो सोचो कि सेंटेंस कौन सा होगा आपको लगे कि कल मैं टेंसिस कंप्लीट कर चुका होऊंगा है ना आपको लगता है मैं कर लूंगा फ्यूचर में हो जाएगा मेरा कंप्लीट हो चुका होगा है ना तो उसके लिए हम लोग लेंगे फ्यूचर परफेक्ट और इसके लिए जैसे अब कौन कंप्लीट कर रहा है मैं तो क्या होगा सब्जेक्ट हमारा आय फिर विल और शेल और विल और शेल के साथ हमें पता है क्या लेते हैं हम आय और वी के साथ शल और बाकी सब पर्सन के साथ विल तो आय के साथ क्या लेंगे हम यहाँ शल ठीक है फिर हैव तो आएगा ही आएगा और फिर हमें लेना है वी थ्री क्या कंप्लीट कर चुके होंगे टेंसिस और कंप्लीट करना ना तो यहाँ हम हैव के साथ क्या ले लेंगे Completed, and then object क्या रहेगा हमारा क्या complete कर चुके होंगे टेंसेज तो I shall have completed tenses. मैं tenses complete कर चुका होऊंगा, है ना ऑप्सो so. है ना चलो तो अभी हमारे यहां पे हमने कंप्लीट किया हमारा परफेक्ट फॉर्म है ना प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट और तीनों में वर्ब फॉर्म कौन सी रहती है V3 राइट right? और हम लोग ये यूज कब करते हैं जब हमें लगता है काम कंप्लीट हो चुका है हो चुका था या हो चुका होगा आई होप इट इज क्लियर टू यू देर इज नो कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टिल हैव वॉच द वीडियो अगेन यस तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट फॉर्म दैट इज कॉन्टिन्यूस है ना चलो अभी तक हमने कौन कौन से किए सिंपल देन परफेक्ट अभी बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की बहुत सिंपल है कॉन्टिन्यूस टेंस कॉन्टिन्यूटी हमें बताती है कोई काम कॉन्टीन्यूटी है कॉन्टीन्यू है चल रहा है तो अब अगर हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से इसे कनेक्ट करेंगे तो कैसे होगा अगर पास्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कॉन्टीन्यूज तो मतलब जो पास्ट में चल रहा था कॉन्टिन्यू का मतलब क्या है जो चल रहा है दैट इज गोइंग गॉन है ना तो अगर पास्ट में चल रहा है तो हम लोग लेंगे पास्ट कॉन्टिन्यू जो काम हमारा पास्ट में हो रहा था है ना अगर आज हमारा काम कोई चल रहा है अभी चल रहा है इस टाइम पे हमारे बोलते बोलते कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और अगर आगे फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा हमें लगता है तो हम लोग वहां यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस राइट तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है अब पास्ट कंटिन्यूस और फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की और फिर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की अब पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग पास्ट की बात करेंगे तो इसके लिए हेल्पिंग सबसे पहले हमारी फॉर्मेशन होती क्या कोई सेंटेंस इंग्लिश में हमें बनाना है तो क्या फॉर्म रहेगी हमारी हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट फिर चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट ये चार चीजें चाहिए तो अब देखते हैं पास कंटीन्यूअस के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट ठीक है देन वी हैव टू टेक हेल्पिंग वर्ब दैट शुड बी वाज और वर क्या होनी चाहिए हमारी पास कंटीन्यूअस में पास्ट में वाज और वर ठीक है पास्ट कंटीन्यूअस हमारे बीते हुए टाइम में कोई काम अगर हुआ था और वो उस टाइम पे चल रहा था हमें ऐसी बात बतानी है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वॉज और वर और फिर उसके बाद हम इसके साथ जो वी वन ले वर्क फॉर्म लेते हैं दैट शुड बी वी वन आई एन जी कॉन्टिन्यूटी देखो मैंने आपको बताया था परफेक्ट के लिए वी थ्री लेते हैं लास्ट फॉर्म लेते हैं वर्ब की है ना तो वैसे ही कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यूस की जितनी भी फॉर्म्स है पास्ट है परफेक्ट है फ्यूचर है तो उनके सॉरी uh, पास्ट है प्रेजेंट है फ्यूचर है तो इन सब के साथ हम लोग लेते हैं वी वन आई एन जी ठीक है परफेक्ट में हमने लिया था वी थ्री और यहां हम लोग लेंगे कॉन्टिन्यूस के लिए लेंगे हम लोग वी वन आई एन जी तीनों फॉर्म्स के लिए तो यहां वी वन आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट तो एक एग्जाम्पल ले लें है ना अब आपको लगता है कि कल मैं आ, पढ़ रहा था है ना आप कोई बात को याद कर रहे हो अरे तब तो मैं पढ़ रहा था है ना तो फिर काम कौन कर रहा था मैं आई ठीक है तो अब ये बात आती है और वर की और वर में से चॉइस लेनी हो तो बहुत सिंपल है देखो सबसे ज्यादा लेटर किस में है ध्यान रखो वॉज में और वर में किस में ज्यादा है वर में है काउंटिंग तो आती है है ना तो वर तो यहाँ फोर है यहाँ थ्री है तो ये ज्यादा चीजों के साथ यूज होगा वर और सिंगुलर के साथ ही हम यूज करेंगे वाज़ ठीक है तो आय जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है और वी जो है वो अवर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है तो आय अब क्या है सिंगुलर है या प्लूरल है ये सिंगुलर है वेरी yes, स्मार्ट तो आई वॉज फिर वी वन आई एन जी क्या कर रहे थे कल पढ़ रहे थे तो आई वॉज रीडिंग और आई वॉज स्टडिंग है ना क्या पढ़ रहे थे इंग्लिश mm, पढ़ रहा था है ना इंग्लिश की बुक कोई भी ले लो है ना तो यहाँ हम लोग ले लेंगे चलो टेंसेस पढ़ रहा था टेंसेस पढ़ रही थी है ना आई वॉज रीडिंग टेंसेज ठीक है कि मैं कल पढ़ रही उस मतलब वो आ गया ना तो वो पास्ट टाइम को बताता है फिर उसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपने वॉज लगा दिया तो समझ आएगा सामने वाला पर्सन कि ये पास टाइम की बात कर रहा है और अगर आज आप कर रहे हो किसी को आपने बताना हो कि आज मैं पढ़ रहा हूँ है ना आज काम चल रहा है कॉन्टिन्यू है तो उसके लिए हम क्या लेंगे तब यूज़ करेंगे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की फॉर्म क्या रहेगी वही सबसे पहले हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब चाहिए और देन ऑब्जेक्ट तो इसमें भी हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट फिर लेंगे हेल्पिंग वर्ब अब पास कॉन्टीन्यूस में हमने ली थी वॉज वर्ब फॉर्म मैंने बताई दी आपको कंटिन्यूटी के लिए हम लोग कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करेंगे हमेशा वी वन आई एन जी है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन प्लस आई एन जी एंड है तो सेंटेंस ले लेते हैं कि आज मैं पढ़ रहा हूं तो आई अब बात आती है इज एम आर की चॉइस की तो इज यूज करेंगे हम सिंगुलर के साथ याद रखो ठीक है एस और एस याद रहेगा इज फॉर सिंगुलर फिर एम ये तो हमको पता ये सबको पता है ना I एम अपने बारे में तो सबको पता होता है है ना और फिर हम यूज करते हैं आर और ये हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ ठीक है चलो अब यहां आई आई के साथ क्या आएगा सो सिंपल आई एम studying. क्या पढ़ रहे हो टेंसेस है ना सो आई एम studying टेंसेस ठीक है आई एम लर्निंग टेंसेस अभी तो हम कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं ना हम लोग तो लर्न कर रहे हैं तो बेटर है यहां हम यूज करें लर्निंग आई एम लर्निंग सीख रहे हैं हम लोग है ना तो आई एम लर्निंग टेंसेसिस ठीक है फिर यहाँ हम अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की फ्यूचर में हम लोगों को कोई पर्सन अगर कहता है कि आ, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं सीख रहा हूँगा, जब मैं इस क्लास में हो जाऊँगा तो मैं सीख रहा हूँगा टेंसेस है ना मैं नाइन्थ में हो जाऊंगा मैं टेंथ में हो जाऊंगा तो मैं टेंथ से सीख रहा हूँ आजकल तो आ, थर्ड फोर्स से स्टार्ट कर देते हैं टीचिंग टेंसेज की है ना तो चलो कोई कोई होता है नहीं सीख पाता है नाइन टेंथ में आके भी सीख लेते हैं तो किसी को लगता है कि अच्छा मैं पहले नहीं सीख पाया तो मैं नाइन टेंथ में हो जाऊँगा तो मैं जरूर सीख रहा हूँ उस टाइम पर है ना तो कैसे कहेगा फिर वो तो हमें क्या क्या चाहिए होगा उसके लिए सब्जेक्ट फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब फॉर श्योर तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए ठीक है फिर यहाँ हम कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए अब विल शेल के साथ वैसे तो हम क्या लेते हैं हमेशा वी लेते हैं है ना? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं लेकिन अब यहाँ कॉन्टिन्यूज तो है कॉन्टिन्यूज के लिए हम लेते हैं वी वन जी तो कैसे पॉसिबल है तो हम एक वर्ड ऐड करते हैं दैट इज बी 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 और फिर हम वी बनाए जी यूज कर सकते हैं और फिर हम लेंगे ऑब्जेक्ट ठीक है तो विलोशेल प्लस बी प्लस वी वन आई एनजी लॉजिक देखो रीजन समझो पीछे जो मैंने बता दी उसे कनेक्ट करते जाओ अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में खुद से आना चाहिए कि कि मैम ने तो बताया था फ्यूचर के लिए हम लोग विल शेल यूज करते हैं लेकिन पहले मैम ने बताया था कि विल शेल के साथ हमेशा वी वन यूज करेंगे मॉडल्स भी आते हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कि विल शेल के साथ वी वन आता है लेकिन यहां कॉन्टिन्यूस आया मैम ने बोला था कि कॉन्टिन्यूस के लिए वी वन आई एनजी तो कैसे पॉसिबल है तो फिर हम यहाँ एक वर्ड ऐड करते हैं दैट इज बी जो कॉन्टिन्यूटी के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो फिर एग्जाम्पल हमने लिया था कि कोई पर्सन है जो कह रहा है कि मैं नाइन टेंथ में जाके मैं टेंसेज पढ़ रहा हूंगा तो कौन कह रहा है सम वन ही है ना कि वो कह रहा है वी वी सॉरी ही अब शाल यूज करते हैं आई और वी के साथ तो यहां तो ही है तो ही के साथ क्या यूज करेंगे ही विल बी लर्निंग टेंसेस अब एक और बात ऑब्जेक्ट भी ले रहा है बता रहा है कि कब करूंगा है ना तो यहां हम कह सकते हैं ना इन क्लास नाइन्थ और टेंथ ठीक है नाइन्थ और तो टेंथ में कोई भी क्लास में वो सीख रहा होगा टेंसेस ठीक है तो आई होप इट इज क्लियर तो अब एक बार रिकप ले लेते हैं जल्दी से क्या क्या अभी तक हमने किया हमने किया परफेक्ट टेंसेस के है ना परफेक्ट की सारी फॉर्म्स की प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट फिर उसके बाद हमने किया अभी प्रेजेंट कंटिन्यूज पास्ट कंटिन्यूज एंड फ्यूचर कंटिन्यूज और तीनों के हमने वर्क भी देखी कौन कौन सी वर्क यूज़ करते हैं परफेक्ट के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं v3 और कंटिन्यूस के लिए क्या लेंगे हमेशा v1 ing आई एन जी परफेक्ट यूज़ करते हैं जो काम पहले सॉरी uh, परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड और uh, हम लोग कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं कॉन्टीन्यूटी के लिए जो चल रहा हो कोई भी काम वेदर इट इन इट इज इन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ठीक है अब एक रहता है कौन सा है हाँ याद करो सारी फॉर्म्स बताई हैं जल्दी जल्दी ये तो मैं बताऊंगी फिर सोचो